मेघालय का नोंगजोम विलेज में पहुंच के यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ व्यू पॉइंट देख के ओवरनाइट स्टे करने के बाद अगला सुबह निकल गया मैं उमगोट रिवर को देखने के लिए। और इस रिवर तक पहुंचने के लिए बहुत ही एक लंबा ट्रेकिंग करके आना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये व्यू पॉइंट जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ, ये व्यू पॉइंट आपको ज़रूर याद होगा अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है इस सीरीज़ का। तो मैं हूँ नोंगजोम विलेज में और यहाँ पे इसी व्यू पॉइंट में बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं सिर्फ सनराइज़ व्यू को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत कुछ करने के लिए है जो लोग करते नहीं, और यहाँ पे कुछ कोई ठहरता भी नहीं है। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे ठहरे हैं इस जगह को ठीक से एक्सप्लोर करने के लिए, इस विलेज लाइफ को देखने के लिए। तो ये व्यू पॉइंट में कल जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग आए थे, आने के बाद यहाँ पे पीछे क्लाउड के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, और आज ये जगह बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे का जो ये रिवर है, इसी रिवर का नाम है उमगोट रिवर। इसमें ही हम लोग आज जाने वाले हैं। ये रिवर आगे जाके डाउकी साइड में पहुँचती है और लोग इसको डाउकी रिवर बोल के जानते हैं। कल सुबह के टाइम में कितना ज़्यादा क्लाउडी था ये एरिया, और आज देखिए कितना ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। कल का क्लाउड और आज का ये इतना ज़्यादा क्लियरिटी, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और ये दोनों टाइम में देख पाया हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत पीछे अपना होम स्टे छोड़ के नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, ना तो कोई लोकल दिख रहा है, ना ही कोई टूरिस्ट दिख रहा है। ये ऐसा एक जगह है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे आके मैं अभी रुका हुआ हूँ। मेरे बैक साइड में नीचे दिखाई दे रहा है वो रिवर जहाँ तक मैं जाने वाला हूँ। हालांकि ये दिखने में लग रहा है कि पास में ही है, लेकिन यहाँ पे कम से कम ये 2-3 घंटे का डिस्टेंस होगा। बहुत नीचे है पहाड़ के, और पूरा चल चल के जिग-जैग करके पहाड़ के नीचे तक मुझे जाना है। ये डाउनहिल रास्ता गया है और इसी रास्ते से जाके पहुंचना है नीचे तक। देखने में लग रहा है ये रिवर अभी पास में है लेकिन बहुत दूर है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से अभी चल रहे हैं और चल चल के थोड़ा बहुत नीचे आए हैं। मेरा जो दोस्त मेरे साथ है वो अभी बहुत पीछे पड़ गया है। आप देख सकते हो ऊपर वो ब्लॉगिंग कर करके आ रहा है धीरे धीरे, और मैं बस स्पीड में नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है रिवर तक पहुँचने का। अभी सामने देखिए मेरा दोस्त नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ना तो कोई लोकल दिखाई दे रहा है, ना ही कोई टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो दूर रिवर दिखाई दे रहा है। रिवर के पास में पेडी फील्ड है, मतलब यहाँ पे गांव वाले आते हैं, इसीलिए तो थोड़ा रास्ता भी है अपने खेती में। और ये खेती शायद रिवर के उस साइड वाले लोग करते होंगे क्योंकि रिवर के उस साइड में ही खेती दिख रहा है, और इस साइड में भी है तो लग रहा है नीचे थोड़ा 2-4 घर तो होगा ज़रूर। कल का दिन तो आपने देखा कितना हैट्रिक था, और आज का दिन भी कम नहीं होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि अभी डाउनहिल ट्रैक कर रहा हूँ, पता तो चल रहा है कितना नीचे जा रहा हूँ, लेकिन जब रिटर्न आने का टाइम होगा वो टाइम बहुत डेंजर होने वाला है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरा पहले का है। अप हिल ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है जब आप थके हुए हो, और हम तो टूर कर रहे हैं इसलिए थके हुए हैं ज़रूर। अब जो सामने डाउन हिल ट्रैक आया है ना, ये बहुत डेंजर लग रहा है, बिल्कुल नीचे की ओर गया है। और एक गुड न्यूज़ भी है, कुछ घर मुझे दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। और नीचे जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कम से कम किसी के घर में जाके बोल पाएंगे हेल्प करो, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग गया तो खाने के लिए भी रिक्वेस्ट कर पाएंगे। अभी रास्ते पे एक जगह पे रुक के हम लोग चॉकलेट्स खा रहे हैं क्योंकि सुबह कुछ खा के आए नहीं थे। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे स्टिकी राइस मिलता है जो हम लोगों को खाने का मन नहीं था, और यहाँ पे निकलने से पहले हम लोगों ने अपने होम स्टे ओनर के साथ बात किया था। हालांकि इनको इंग्लिश आती नहीं और हिंदी भी नहीं आती, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ उनका और हमारे बीच में। वी गो नाउ, कम 12 PM, ओके, प्लीज मेक आवर मील रेडी, 12 PM वी ईट एंड देन गो, ओके ओके थैंक यू ओके पीपल। क्या विलेज पीपल क्या बोल रहे भाई? नहीं यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? पूरा इंग्लिश बोलने से फायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बोलना होगा, इनको भी समझ में आएगा, तभी हम लोग क्लियर होंगे। मजे ले लो तुम, क्योंकि वहां जाके कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर नहीं। इन्होंने कहा वहां पे बियर है, बियर निकलता है, लेकिन हम लोग वो रिस्क ले लेंगे। वी विल टेक द रिस्क, नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम। ओके ब्रो। इस जंगल में जो भालू मिलता है एक्साइटमेंट के मारे में भूल ही गया था, अभी याद आ रहा है और चलते चलते थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे। जहाँ से हम लोगों ने डाउनहिल ट्रैक करना शुरू किया था वो जगह भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। क्या बताओ आपको, 1-1.5 घंटे से चल रहे लेकिन अभी तक ना तो नीचे पहुँचने का कुछ निशान मिल रहा है और ना ही ऊपर कैसे पहुँचेंगे उसका पता चल रहा है। तो इसीलिए शायद ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है। रास्ता तो बना हुआ है, मतलब लोकल्स आते हैं और नीचे घर है तो नीचे जाके तो लोकल्स मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक का जो यहाँ पे सिचुएशन मुझे मिला, मुझे नहीं लग रहा कि नीचे भी ज़्यादा लोग होंगे। 4 घर में काउंट किया हो और इस 4 घर में अगर लोग रहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रहते, ऐसे ही घर बना हुआ है तो डेंजर होने वाला है भाई। तो ये झोपड़ी मुझे दिखा दूर से, इसके पास मैं चल के आया हूँ, अभी देखता हूँ अंदर क्या है। यहाँ पे तो कुछ फिशिंग करने का थोड़ा बहुत सामान लग रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, एक बैग लटका हुआ है, शायद ही कोई आता होगा, या तो आता होगा ऐसे दिन के टाइम में चला जाता होगा। तो ये सामने है अभी ऑरेंज का पेड़, अभी ये ऑरेंज लगा है इस पेड़ में और जनवरी तक पूरा पक्के रेडी हो जाएगा। देखिए इस साइड में देखिए सारे ऑरेंज के पेड़ है। अभी फिर से रिपर दिखना शुरू हुआ है और उम्मीद फिर से जगा है, मतलब जोश आ रहा है कि मंजिल तेरा ज़्यादा दूर नहीं है, चलता रहे मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक बात मुझे पता चला है कि ऊपर से जो सब घर मैं देख रहा था नीचे, वो सब घर यहाँ पे बनाया गया है मेनली डोमेस्टिक एनिमल्स को रखने के लिए, काव हो गया, हॉर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी होता है नीचे रिवर के बैंक साइड में, और लोग जो है गांव में ऊपर ही रहते हैं, यहाँ पे नीचे कोई रहता नहीं है। वो अलग बात है, कोई कभी 1 रात के लिए 2 रात के लिए खेती करके जा नहीं पाया, ठहर गया, लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपर ही रहते हैं। तो ये देखिए हाल मेरा शू का क्या हुआ है, मतलब पूरा कीचड़ में फंस गया था मेरा पैर, उफ। लेकिन अभी रिवर सामने है, बस ये पीडी फील्ड पार करना है, उसके बाद पहुंच जाऊंगा। अभी रिवर ऑलमोस्ट मेरे सामने ही है, एक बड़ा रास्ता मिला इधर आके नीचे, शायद इधर से खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर वगैरह आता होगा इसीलिए ये रास्ता बनाया गया होगा। और नदी बिल्कुल पीछे है, बहुत ही खूबसूरत नदी है, इसी नदी को डाउकी रिवर लोग बोलते हैं, कुछ लोग उमगोट रिवर बोलते हैं। इधर से इस नदी का स्टार्टिंग है, इस साइड से इस नदी को उमगोट नाम से ही जानते हैं, और डाउकी साइड में जाने के बाद इस नदी को ज़्यादातर टूरिस्ट डाउकी रिवर ही बुलाते हैं। डाउकी में जैसा क्रिस्टल क्लियर वाटर है, सेम टू सेम यहाँ पे भी क्रिस्टल क्लियर वाटर है। बस मुझे अभी नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, एक रास्ता निकाल लूँ नीचे जा रहा हूँ मैं। ऊपर से जितना भी घर देखा था ना, ये सब घर ऐसा ही बना हुआ है कि खेतीबाड़ी करने के लोग जो है वो यहाँ पे रात को रहते हैं, या तो मतलब ऐसे ही ठहरते हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पे मतलब लोगों का घर नहीं है, कोई रहता नहीं यहाँ पे, और काउस को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ाना काउस को बहुत मुश्किल पड़ेगा इसके रीजन से। तो अभी जंगल के बीच से होके पहुँच रहे रिवर तक जाके, पहले साफ़ करना है मुझे अपने शू को और उसके बाद जी भर के नहाना है। तो ये है उमगोट रिवर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है इसका वाटर, और अभी वाटर लेवल थोड़ा कम है, नदी काफ़ी बड़ा है लेकिन पानी कम होने की वजह से सिर्फ इसी लेन में बह रहा है। और सामने का जो वैली है ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी सबसे पहले मुझे अपने शू को धोना है और उसके बाद उतर जाना है नहाने के लिए, जी भर के नहाऊंगा, बहुत थक गया था, मज़ा आने वाला है। ये देखिए क्या हाल हो गया था, अभी पूरा धो के रेडी करके फिर से निकलूंगा। खुद भी नहाओ, इसको भी नहलाओ। हाँ, हकुना मटाटा, नो टेंशन। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, जैसे मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा नहाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाएगा। आप पीछे देख पा रहे हो शायद पानी कितना स्पीड में चल रही है, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेता हूँ तो मैं मिलूँगा बांग्लादेश में, और ये रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पासपोर्ट मेरा घर में रह गया और इधर से सीधा विदाउट पासपोर्ट ही मैं बांग्लादेश में पार्सल हो जाऊँगा।
इतना ज़्यादा फोर्स है पानी का, क्या बताओ आपको। इस पानी में उतर के खुद का पैर को टिका के रुकना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं आज स्विमिंग करने का बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसे इस वैली को देखता रहूँगा, बहुत सुंदर वैली है सामने। अभी नदी के साइड में बहुत सुंदर सुंदर ऑरेंज का गार्डन है, और ये ऑरेंज जब पक जाएगा तो देखने में बहुत सुंदर होगा। और ये टाइम मेनली होता है दिसंबर और जनवरी के टाइम में, तो मैं अभी तय करके जा रहा हूँ यहाँ से दिसंबर या जनवरी में मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा। आके जब ऑरेंज का टाइम होगा उस टाइम में इस जगह को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। और सुना है मैंने यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी हो जाता है, फिलहाल अभी बंद है लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू होगा आई थिंक। अभी रिवर से निकल गए हैं और मैंने अपना जूता धो के ऊपर ऐसे ही सुखाने के लिए दिया था, और धूप इतना है पूरा सूख गया। और अभी बहुत मज़ा आ रहा है, नहाने के बाद बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ क्योंकि ठंडा था, कल ठीक से नहा नहीं पाए थे, और आज बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है यहाँ पे। तो अभी ऑलमोस्ट दोपहर हो चुका है, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जितना लेट करेंगे ऊपर जाते जाते उतना रात होगा। और वैसे तो ज़्यादा काम कुछ है नहीं, रात को पहुँच के सोना ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी करना अच्छा होगा क्योंकि सुबह से हम लोग सिर्फ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स ही पिए हैं और कुछ नहीं खाए। ये अपना सुमन भाई साथ में एनर्जी ड्रिंक लाया था, तो वो अभी अपना एनर्जी ड्रिंक पी रहा है जो गर्म है, लेकिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने अपना एनर्जी ड्रिंक को ठंडा करने के लिए ऐसे नदी में पानी के नीचे छुपा दिया था, तो अब ये ठंडा हो चुका है, अब पीने में मज़ा आएगा। सच में पूरा ठंडा हो गया और पीने के बाद अभी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ, वो अपहिल ट्रैक करना है, अभी कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा, बहुत लंबा ट्रैक है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक और चॉकलेट। पास के गांव से शायद 2 बच्चे आए हैं यहाँ पे पत्थर के ऊपर आके सोए हुए हैं, इन दोनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से मैं रिटर्न निकलने वाला हूँ और मेरे साथ 2 चॉकलेट रह गया है, इन दोनों को देख के जाता हूँ। सुमन अपने पास जो 2 चॉकलेट बचा था ना, हाँ ये दोनों, इन दोनों बच्चों को दे दो। बाय बाय खुबलाई खुबलाई सिबुन सिबुन खुबलाई सिबुन सिबुन एंड बाय बाय। ठीक है बच्चों, एंजॉय करो। हिंदी आता है? नहीं, ओके बाय बाय। तो अभी रिवर से निकल के इस रिवर को पीछे छोड़ के हम फिर से चल पड़े हैं अपने होम स्टे की ओर। आज सुबह से, अभी दोपहर का 2 बज रहा है, हम लोगों ने सिर्फ चॉकलेट्स और एनर्जी ड्रिंक ही पिया है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। और यहाँ पे पहुँचने में ऊपर तक अभी कम से कम हम लोगों को 3 घंटा जैसा लगने वाला है, तो होपफुली हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाए और ऊपर पहुँच पाए। जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि नीचे छोटा छोटा घर है, इनमें से किसी एक घर में हम लोग जाएंगे और जाके खाना मांग के खा लेंगे, लेकिन ये सब घर नहीं है, ये सब ऐसे ही काव और बाकी डोमेस्टिक एनिमल्स रखने का जगह है, और कभी कभी फार्मर्स भी यहाँ पे रहते हैं। तो हमने सोचा कुछ था और हुआ कुछ और है, लेकिन कुछ नहीं, एक्सप्लोर करने आए हैं, एक्सप्लोरर को थोड़ा तो तकलीफ़ उठाना पड़ता है, और ये तकलीफ़ उठा के हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी रास्ते से उतर के आए थे ऊपर से, और इस रास्ते से होके हम लोगों को ये पूरा जिग जैग ये साइड कंप्लीट करके, ये पहाड़ को कंप्लीट करके फिर अपने होम स्टे तक वहाँ पे ऊपर पहुँचना है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पहाड़ है, उसको पार करने के बाद दूसरा भी पहाड़ हो सकता है, तो आगे चल के देखते हैं। आप कैमरे में देख सकते हो उस जगह में हम लोग थे, और वहाँ से चल चल के इतना दूर अभी ऊपर आके पहुँचे हैं। सुमन देखिए ये थकता नहीं है, पता नहीं कौन सा एनर्जी ड्रिंक करता है ये। पूरा रास्ता हम लोग आए, ना तो हमको कोई लोकल दिखाई दिया, ना तो कोई टूरिस्ट दिखाई दिया, ना तो कोई एनिमल दिखाई दिया, ना तो कोई परिंदा दिखाई दिया, बिल्कुल खाली है मॉर्निंग से इवनिंग तक। एक बात जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आने से पहले मेरे होमस्टे के मालिक ने मुझे बोला था इस जंगल में वाइल्ड एनिमल भी मिलते हैं, और मेनली यहाँ पे भालू मिलता है, और भालू नदी पे जाता है कभी कभी फिशिंग करने के लिए, और इसी हिल साइड से उतर के भालू आते हैं, तो थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है।
आप हिल ट्रैक करते करते अभी शाम होने वाला है, हम लोग अपने होम स्टे मालिक को बोल के आए थे आज हम लोग बैक करेंगे गुवाहाटी, लेकिन अभी लग रहा है ओवरनाइट फिर से स्टे करना पड़ेगा, तो जाके अभी फिर से बात करेंगे, लगता है रूम अपना रहेगा। अब जाके थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ क्योंकि सामने विलेज दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है विलेज, अभी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। जान बच गई, पहुँच के ही सीधा करेंगे लंच और लंच करके ही सीधा सो जाना है, कल सुबह तक कोई मुझे बुलाने ना आए, बस वही आशा करता हूँ। तो वो सामने रहा अपना विलेज नोंगजोरम, जहाँ पे हम लोग अभी जाके पहुँचेंगे, और अब और एक ट्रैक बाकी है अपहिल, उसको करना है, बस पहुँच जाएंगे। तो हम लोग अभी पहुँच गए अपने होम स्टे तक, और आज संडे का दिन है, इसके वजह से मैक्सिमम लोग यहाँ पे चर्च में गए हुए हैं, बिल्कुल खाली है विलेज, बाहर कोई नहीं है, सब लोग चर्च में हैं, सिर्फ 3-4 लोग। हमारे होम स्टे के जो ओनर है नॉन्ग प्लांट, उनका फादर है, उन्होंने अभी हम लोग को फूड प्रोवाइड किया। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, चार्ज का टाइम भी शायद ओवर हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी खाना खा के सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड है। कल रात का खाना और अभी का खाना बिल्कुल सेम है, वही दाल चावल और बॉयल एग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज और एक नया सुबह है, सेकंड डे है आज, और हम लोग इस होम स्टे से आज बैक कर रहे हैं गुवाहाटी के लिए। इज मिस्टर नॉन्ग प्लांट, इन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छा खातिरदारी किया, एंड अंकल पीछे है इनके फादर, और इस होम स्टे में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और नोंगजोरम विलेज हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एज ए स्ट्रेंजर, एज ए होम स्टे पर्सन इनके साथ मिले थे, लेकिन बहुत अच्छा एक दोस्ती यारी बन गया है। हालांकि इनको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, मुझे इनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन एक बात तो पता चल गया, इनका शादी है, इनका जब एज हो जाएगा 25 ईयर तो मैं उनकी शादी में आऊँगा ये वादा करके उनको जा रहा हूँ। ये कभी इस जगह से निकल के शिलोंग भी नहीं गए, तो मैं एक बार आऊँगा इनको घुमाने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा रहता है यहाँ पे, दोपहर को आके गर्मी हो जाता है। तो खुबलाई खुबलाई सिबुन, वी विल मीट अगेन, ओके अंकल, बाय बाय। तो अभी इस गांव से निकल रहे हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा, ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप मेघालय में रॉ नेचर को देखना चाहते हो तो ज़रूर नोंगजोरम में एक बार आओ, यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करो और मज़े करो, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग, रास्ते पे घूमते घूमते रात तक पहुँचेंगे गुवाहाटी तक।